इन सब बचवा का भविष्य अब बोरा पे बन रहा है, आई आप लोग के बचवा का भविष्य विदेश में बन रहा है। मैम खुद अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, आई खुद इन गरीब लोगों का भविष्य बना रहे हैं। हम लोग सर प्रयास में लगे, मजबूर है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि मैडम को भी कहीं ना कहीं इस बात का मालूम है कि अगर इस स्कूल में अपने बच्चे को रखेंगे तो भविष्य सही से नहीं बन सकता है। मैम आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम नुसरत जहां। अच्छा अभी ये जो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे, कौन से क्लास के बच्चे हैं? ये वर्ग पहला है। टोटल पहला वर्ग के हैं जी। बाकी उधर जो चल रहा है वो कौन से क्लास है? 4 है 5 है 3 है 2 है। अच्छा उसमें टीचर है कि नहीं है? नहीं हम लोग 2 स्टाफ है। अच्छा अभी आप 1 को देख रहे हैं? 1 को देखते हैं। मेरा 1 मेरा क्लास जो है 1। सर भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, बीच बीच में हम लोग 2 ही स्टाफ हैं, तो हम लोग इसी में हम लोग क्लास घंटी बदल बदल के इसमें हम लोग वर्क दे देते हैं, फिर और दूसरे क्लास में हम लोग जाकर उस बच्चे को भी पढ़ाते हैं, उसको भी हम लोग वर्क देते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल में देखा जाता है वहाँ पे ब्रेंच का डेस्क का सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन इस स्कूल में अब तक नहीं? मेरे स्कूल में ऐसा अभी तक नहीं है, मैं 2010 से हूँ, बस बच्चे बोरे पे बैठते हैं और अपना ही बस्ता लाते हैं, बोरे लाते हैं, पढ़ते हैं। कभी इसके लिए मांग किया है कि नहीं अधिकारी कि हमारे स्कूल में इन चीज़? मांग तो होती है, मांग तो होती है, पर पूरा कहाँ हो रही है सर? बहुत ऐसा है, हम लोग यहाँ शिक्षक की कमी है, शिक्षक की बार बार हम लोग प्रयास करते हैं कि 1 या 2 शिक्षक यहाँ बढ़ जाए। 130 बच्चे हैं जो यहाँ पे, एक हम लोग 2 स्टाफ हैं। यहाँ प्रेजेंट कितने रहते हैं जी? प्रेजेंट कितने रहते हैं? प्रेजेंट हम लोग दोनों रहते हैं। नहीं नहीं बच्चे को बच्चे बच्चे कभी 110 रहते हैं, कभी 90, 98, 80 से 80 से ऊपर रहते हैं, 80 से ऊपर रहते हैं। अब आइए बिहार के नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी, ये देख लीजिए बच्चे का भविष्य बनाने का जो बात करते हैं, इन सब बचवा का भविष्य अब बोरा पे बन रहा है, आई आप लोग के बचवा का भविष्य विदेश में बन रहा है, तो अब बताइए बिहार कितना तरक्की में है, आप लोग ही बताइए। इस सब बचवा का देख लीजिए, इस सब बचवा गरीब के बच्चा है, इसमें कोई अमीर का बच्चा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बाबूआ, स्कूल में आके बोरा बिछा के बैठते हैं अच्छा लगता है? हाँ जी। अच्छा और सब स्कूलिया में ब्रिंच पर बैठते हैं डेस्क पर मालूम है जी, तो आपको बैठने का मन करता है? अब बताइए बच्चा बोल रहे हूँ मतलब कि यह बोल, इन लोग का भी मन है हम डेस्क पे ब्रेंच पे बैठ के अच्छा से पढ़े, लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार के कि नेताजी लोग के बेटा विदेश में, मालूम है नहीं मेरा जी। अच्छा आपके पास है कि नहीं लड़का वड़का लोग कुछ जी? मेरे अच्छा वो लोग कहाँ पढ़ते हैं? अभी तो मेरे छोटे एक ठो बच्चे हैं, अभी यहीं पे साथ में घूमते उमते हैं, छोटे हैं। अच्छा एक ठो बच्ची है वो पढ़ती है अभी कन्वेंट में, कन्वेंट में। अच्छा एक बात बताइए, इन सब बच्चों का भविष्य इस स्कूल में आप बना रही हैं जी, और अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए दूसरे किसी के पास क्यों गए? अभी छोटा है, 2 साल की 2.5 साल की, हम लोग प्ले स्कूल में डाले हैं चूंकि वो वहाँ पे कुछ सीखे खेले, इसलिए हम डालेंगे। अब देखिए बिहार सरकार, ये सोचने वाली बात है कि मैम खुद अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, आ ये खुद इन गरीब लोगों का भविष्य बना रहे हैं। हम लोग सर प्रयास में लगे हुए हैं, हम लोग बच्चे को जहाँ तक शिक्षा देना है हम लोग शिक्षा देते हैं, चूंकि वो बोरे पे बैठ के पढ़े डेस्क पे पढ़ के, हम लोग को शिक्षा देना है ना, हम तो शिक्षा दे रहे हैं ना, बच्चे की भविष्य बोरे पे हो या बेंच पे हो, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, बोरे से ही आगे बढ़ाएंगे, ये नहीं कि डेस्क पे पढ़ेंगे तो कुछ अलग हम पढ़ाएंगे, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो इस पर थोड़ा सा सरकार जी से हमको निवेदन है कि ये थोड़ा सा देखा जाए, बच्चे जो बोरे पे बैठे हुए हैं ये थोड़ा सा डेस्क पे पढ़ेंगे तो अच्छे लगेंगे, चूंकि ड्रेस में आ रहे हैं, इनकी यूनिफॉर्म में आ रहे हैं और जमीन पे बैठ रहे हैं। मैडम की बात सुनकर आपको जय हिंद बोलना चाहता हूँ कि ये बिहार की पहली ऐसी टीचर मुझे मिले ही कि जो को बच्चों के लिए विनती कर रही हैं, बच्चों के लिए विनती कर रही हैं, इनको मैं जय हिंद बोलना चाहता हूँ कि ईमानदारी पूर्वक बोलिए। आपको नौकरी से डर नहीं लग रहा है? नहीं हमको नौकरी से क्यों डर रहा है, हमको सरकार इस बच्चे की भविष्य बनाने के लिए हमको वो भेजी हुई है, चूँकि हम बोरा पे पढ़ाएं, खड़े होकर पढ़ाएं, जिस तरह से भी पढ़ाएं, बच्चों को आगे हमको बढ़ाना है। देखिए मैडम का प्रयास है कि हम बच्चों का भविष्य बनाएं, लेकिन ये भी मजबूर है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि मैडम को भी कहीं ना कहीं इस बात का मालूम है कि अगर इस स्कूल में अपने बच्चे को रखेंगे तो भविष्य सही से नहीं बन सकता है, क्योंकि नेताजी लोग विदेश में अपने बच्चे का भविष्य बनवाते हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी